कोरोना कर्फ्यू के बाद नीमच शहर को अनलॉक किया गया, जिसके चलते बार बार इसके हिसाब से दुकानें खोलना शुरू किया गया। वहीं नीमच के सभी व्यापारी संगठन का कहना है कि अब नीमच जिले में कोरोना संक्रमण की दर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके चलते अब पूरे जिले में सभी व्यापार व्यवसाय की दुकानें खोल देना चाहिए। लगातार पिछले 55 दिनों से सभी व्यापारियों की दुकानें बंद थी। 15 दिन बाद मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और सारे व्यापारी धंधे खत्म हो जाएंगे। जिला प्रशासन और शासन को चाहिए कि व्यापारियों की मांगों को मानते हुए अब पूरे जिले में सभी तरह के व्यापार व्यवसाय खोल देना चाहिए, जिससे व्यापारी अपना व्यापार कर सके। कुछ दिन बाद बारिश शुरू होने वाली है, जिसके चलते बाजारों में वैसे सन्नाटा रहेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अब नीमच में सभी दुकानें खोली जाए, अन्यथा व्यापारी का सब टूट रहा है। किसी भी व्यापार को लेकर एक पूरी चेन रहती है, एक व्यापारी के पीछे बहुत सारे कस्टमर, हम माल, गाड़ी वाले, सारे एक चेन जुड़ी हुई रहती है, जो कि काफ़ी समय से बेरोजगार है व्यापार बंद होने और लॉकडाउन के कारण। और चूंकि कोरोना भी पूरी तरीके से कंट्रोल में है और आप देखेंगे पब्लिक में भी जागरूकता है, लोग अब मास्क भी खुद पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, तो अब बाज़ार बंद होने का कोई औचित्य नहीं है और बाज़ार तो खुलना चाहिए, पूरा बाज़ार खुलना चाहिए। आप देखेंगे हमसे ज़्यादा केस रतलाम में थे, तो भी आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरा अनलॉक हो चुका है, और भी जगह भोपाल में, राजधानी में भी अनलॉक हो चुका है, और नीमच में चूंकि अब एक्टिव केस है नहीं, पेशेंट अब है नहीं, और लोगों में भी स्वयं की अब जागरूकता ही रखनी है, तो बाज़ार तो पूरा ही खुलना चाहिए। पहले ही लोग आर्थिक मंदी से भयंकर परेशान है, थोड़े दिनों बाद मानसून भी चालू हो जाएगा, तो ये 5-7-8 दिन की जो सीजन है, नहीं तो ये खराब होगी, लोगों को बहुत आर्थिक झटका लगेगा, तो बाज़ार हम खोलने की मांग करते हैं। बाज़ार को काफ़ी समय हो गया लॉकडाउन का पालन करते हुए, अब क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है और काफ़ी समय तक बहुत सारे व्यापार बंद रहे, क्योंकि उनसे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, व्यापार काफ़ी कम हुआ है बहुत से क्षेत्रों में, लेकिन ठीक है, और लॉकडाउन भी अत्यंत आवश्यक था, इस लॉकडाउन रहा तो ही ये कोरोना का जो संक्रमण है हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन अब काफ़ी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इसे खुला धीरे धीरे खोल देना चाहिए, इससे क्या सबको राहत मिल सके थोड़ी थोड़ी, बल्कि नियम से खोलिए, रेगुलर खुलेगा तो सबको ग्राहकी बाकायदा बैलेंस रहेगी, ताकि भीड़ भाड़ का सीन नहीं रहेगा। जी हाँ, संपूर्ण ही खुल जाना चाहिए, क्योंकि अब मानसून आ ही रहा है, हर चीज़ में किस में क्या ग्राहकी निकले, आदमी जैसे ग्राहक आता है तो एक सामान के लिए तो आता नहीं है, आएगा तो 5-10 सामान, भाई ये भी लेना ये लेके चल जाएगा संपूर्ण, इसलिए क्योंकि अभी बसें वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, आदमी स्वयं के साधन से आता है, इसलिए 2-4 काम एक साथ निकाल के आता है, तो उसको एक दुकान मिली नहीं, अगले दिन फिर आना होगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा ना, काम बिगड़ेगा उसका। देखिए, पिछली बार जब आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया, पर उसके बाद जो सखलेचा जी महामंत्री जी के साथ में हम व्यापारियों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी, उस दिन भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, मैंने कहा श्रीमान आप सोमवार से खोलने का बोल रहे हैं, पर अब नीमच में ना तो ऐसे केसेस हैं, जनता जागरूक है, और वो अब जनता को किस तरह से एडजस्ट करना है उसकी गाइडलाइन तो हम व्यापारियों की है, अगर हम गलती करें तो सजा के हकदार हम लोग हैं, पर अब निर्णय ये लेना चाहिए कि आप इस बाज़ार को पूरा खोलिए और कल से ही खोलिए। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि भाई 3 दिन ये व्यापार खुलेंगे और 3 दिन ये व्यापार खुलेंगे और संडे का लॉकडाउन होगा। संडे का लॉकडाउन है वो तो अपनी जगह है, कोई बात नहीं, पर आज जब नीमच में अपन देख रहे हैं कि केसेस कम है, नहीं के बराबर है, नीमच में नहीं आ रहे हैं, जिले भर में थोड़े बहुत गाँव के केसेस आ रहे हैं, तो ये बाज़ार पूरा क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि बरसात सिर पर है और 10 दिन का व्यापार लगभग और बचा है, अगर जिस दिन से झमाझम बारिश शुरू हुई उस दिन से बचा कुचा व्यापार भी खत्म हो जाएगा, व्यापारी के लिए तो वैसे ही लॉकडाउन लग जाता है, बरसात का सीजन यानी दुकानदार और व्यापारी के लिए लॉकडाउन का सीजन होता है कि हमको अंदर ही बैठना है, क्योंकि बरसात के सीजन में ना तो शादी ब्याह होते हैं ना कुछ वैसा होता है, किसान सब खेतों में घुस जाता है, तो व्यापार वैसे ही होता है। तो अब ये जब 10 दिन बचे हैं तो सरकार को पूरे, मतलब हम लोगों की या छोटे बड़े सब दुकानदारों की सोच कर इस बाज़ार को पूरा सुचारू रूप से खोलना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। पिछले 16 अप्रैल से लगभग 50 दिन हो गए हैं, हमारा रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है। चूँकि अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है और देखा जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से बाकी जिलों से, जैसे बाकी प्रदेशों से और बाकी जिलों से या बाकी नगरों से, नीमच ज़िले में कोविड इतना पावरफुल रहा भी नहीं और अब तो लगभग ख़त्म सा ही हो गया है, और इसका श्रेय प्रशासन को भी जाता है, मंत्री महोदय प्रभारी को भी जाता है, जिन्होंने अच्छा सख्ती से पालन कराया और जनता ने पालन किया भी। अब चूंकि सबसे कम कोविड नीमच ज़िले में था और अभी तक पूरा सब लोग गाइडलाइन का पालन करते आ रहे हैं और अभी तक इसको
लागू किए हुए, अब समय जो है पूरा संपूर्ण मार्केट अपने पूर्ण टाइम में खोला जाए, क्योंकि एक एक दिन की गैप पे एक एक दिन मार्केट खोला जा रहा है, व्यापार बिल्कुल नहीं है। और डेली रूटीन का व्यापार अगर खोल देंगे पूरा मार्केट, संपूर्ण मार्केट, तो जो थोड़ा बहुत रश भी दिख रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो बाज़ार में घूम रहा है ना व्यापारी, जिसका दुकान बंद है मार्केट में, वो इधर उधर घूमता है, टाइम पास करता है, क्या करे वो घर में बैठ के, पिछले 50 दिन से घर में बैठा है। तो मैं प्रशासन से और प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करूँगा, रेडीमेड एशियन की तरफ से और संपूर्ण नगर की तरफ से, कि अब संपूर्ण मार्केट पूर्ण समय के लिए खुलाया जाए, ताकि जो आदमी भटक रहे हैं, जिनके व्यापार बंद है, वो अपने अपने प्रतिष्ठान में बैठ के समय निकालें। बाकी देखिए, आज ही मेरी माननीय प्रभारी मंत्री सकलेजा जी से है, सांसद सुधीर जी गुप्ता से है, और विधायक नीमच परियार जी और विधायक मनासा अनिरुद्ध मारू जी से इस बारे में चर्चा हुई है, दुकान खोलने के बारे में। मैंने उनसे कहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है और लगभग अपन जीरो की स्थिति में पेशेंट में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अब अपने को बाज़ार खोल देना चाहिए, सारे अनुकूलता है। शहर और ज़िले की आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट है, एक दिन दुकान खोलना एक दिन बंद रखना, इससे कोई व्यापार व्यवसाय नहीं होता है। बाहर से आने वाले व्यक्ति को नहीं पता है कि आज दुकानें खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आग्रह किया सभी से कि आज ही आप बात करके दुकान खोलने के आदेश निकाल दो। यदि मंत्री जी भोपाल में हैं तो वर्चुअल मीटिंग हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और हमें चाहे आप न बुलाएं, सांसद विधायक और आप लोग बैठ करके तय कर लें और आज किसी भी स्थिति में आदेश जारी करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और मुझे विश्वास है कि मेरी सकारात्मक चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकलेगा। यही बात मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से भी एक रिक्वेस्ट किया है कि आप दुकानें खोलने के बारे में विचार करें, सहयोग करें। अब बहुत अति हो गई है, लोग घबरा गए हैं, लोगों की मतलब हद से हम लोग पार हो चुके हैं इस प्रकार की विषम परिस्थितियों को देखते हुए। उनसे भी यही आग्रह किया है, आज ही यह व्यापार खोलें। नीमच से दीपक हता, रिपोर्ट।